घरेलू हिंसा दुनिया भर में होती है और इससे निपटने के लिए तरह तरह के तरीके भी ढूंढे जा रहे हैं, लेकिन कई बार सबूतों के अभाव में हिंसा करने वालों को सजा नहीं हो पाती और पीड़िता को न्याय नहीं मिल पाता। लेकिन इसमें भी मदद कर सकता है विज्ञान। कैसे? इसकी मदद से घरेलू हिंसा करने वालों पर लगाम कसने और पीड़िता को इंसाफ दिलाने की तैयारी हो रही है। देखिए ये खास रिपोर्ट। इस कैन में एक फॉरेंसिक स्प्रे भरा हुआ है जिसका इस्तेमाल घरेलू हिंसा को रोकने के लिए किया जा रहा है। आप इसे नॉर्मल तरीके से नहीं देख सकते, लेकिन यूवी लाइट ऑन करते ही आप इसके निशान देख सकते हैं। पहली बार इसका इस्तेमाल प्रताड़ना के मामले में सजा दिलाने के लिए किया गया है। यूके में एक व्यक्ति को जेल की सजा हुई है जिसे अपने एक्स पार्टनर से दूर रहने का आदेश दिया गया था, लेकिन फिर भी जब वो व्यक्ति घर तक पहुंच गया तो महिला ने उस पर स्प्रे कर दिया। इस लैब में अलग अलग केमिकल एलिमेंट्स को मिलाकर स्प्रे तैयार किया जाता है। मैं आपको इस सीक्रेट सॉस का राज नहीं बता सकती, पर मैं ये बता सकती हूँ कि ये स्प्रे ऐसे एलिमेंट से बना है जो प्राकृतिक रूप से दुनिया में नहीं मिलेंगे, और जहाँ अपराध हुआ है वहाँ से इसे जोड़ा जा सकता है। सीसीटीवी से जरूरी नहीं कि व्यक्ति की पहचान हो पाए, खासकर अगर चेहरा ढका हुआ हो। इस बारे में सोच विचार कुछ समय से चल रहा है। 1996 में बीबीसी कार्यक्रम में भी इसके बारे में बात हुई थी, लेकिन घरेलू हिंसा को रोकने में इसका इस्तेमाल नया आइडिया है। पुलिस का कहना है कि ये कारगर है। अपराध करने वाले को हम ये कहते हैं कि अगर आप वापस उसी पते पर जाओगे और शर्तों को तोड़ोगे, अपराध करोगे, तो फॉरेंसिक तरीके से आपकी निशानदेही हो जाएगी। पुलिस ये साबित भी कर पाएगी और आपको सजा भी होगी। जिस घटना की बात हो रही है उसमें पीड़िता घर आए अपराधी पर स्प्रे करने में सफल रही थी। जांच में हम ये साबित कर पाए कि उस व्यक्ति पर स्प्रे किया गया था। अगले ही दिन उसे दोषी साबित कर दिया गया और उसे 24 हफ्तों की जेल की सजा हुई। हम इससे बहुत संतुष्ट थे। इन दिनों ब्रिटेन में पुलिस कई जगह घरेलू हिंसा रोकने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल कर रही है। ब्रिटेन के दूसरे हिस्सों में भी इस पर प्रयोग किया जाएगा, इस उम्मीद में कि अपराध को रोका जा सके।